Good morning, students. Welcome to another session of sexual reproduction in flowering plants. और अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि फ्लावर के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, फ्लावर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होता है, एंड्रोसियम क्या है, गायनोसियम क्या है, कैलेक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है. उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरीके से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है. उसके बाद फिर ओवम का या एग का प्रोडक्शन कैसे होता है, फिर ओव्यूल के बारे में डिस्कस किए. उसके बाद फिर हम लोगों ने मेगा गैमेटोजेनेसिस, इसका मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में भी डिस्कस किया था. और लास्ट टॉपिक में हम लोग यही देखे थे कि 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कैसे होता है, उसके बारे में डिस्कशन किया था. आज जो हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक, यानी एम्ब्रियो सैक में भी 3 डिफरेंट टाइप का नॉर्मली एम्ब्रियोस देखने को मिलता है. कैसे, इसका बेसिस क्या है डिफरेंट टाइप्स का होने का, तो ये किस तरीके से, यानी कितना सेल, यानी कितना मेगा स्पोर, जो फंक्शनल मेगा स्पोर बना था मदर सेल, वो कितना सेल डिवाइड या फिर पार्टिसिपेट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक. तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मेगा स्पोर के बेसिस पर हम लोग 3 टाइप का एम्ब्रियो सैक की बात करेंगे. जो सबसे पहला है वो है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक. अब जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, क्या बोल रहा है, मोनो, और मोनो का मतलब क्या हुआ, सिंगल. इसका मतलब कि ये, अच्छा हम लोग ये एक बात किए थे कि मेगास्पोर मदर सेल होता है, मेगास्पोर मदर सेल इसमें होती है डिवीजन यानी मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद 4 सेल बना था, और 4 सेल बनने के बाद उसमें से 3 डीजेनरेट कर गया था और एक जो फंक्शनल मेगास्पोर बना था, फंक्शनल मेगास्पोर, यही आगे जाकर क्या चीज बना दिया, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन किया था. इसके बारे में डिस्कस किया था, मतलब यहाँ पर कितना सेल पार्टिसिपेट कर रहा है, एक मदर सेल यानी मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक बोलेंगे, जो कि बड़ा कॉमनली हम लोग देखने को मिलता है. तो सो वी कैन से दैट दिस इज कॉमन एम्ब्रियो. और इसमें होता क्या है कि आउट ऑफ फोर 3 degenerates and only 1 megaspore, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, 1 megaspore सेल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक. इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, ठीक है. और इसका एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल है पॉलीगोनम इसका एग्जांपल है, ठीक है. चलिए, तो हम लोग सेकेंड टाइप के एम्ब्रियो सैक की बात कर रहे थे, दैट इज बाईस्पोरिक एम्ब्रियो सैक. अब देखिए इसमें क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना इसमें होने वाला है. जैसे इसमें हम लोग क्या बोले थे, MMC, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल रहे हैं, मदर स्पोरिक मेगा स्पोर मदर सेल बोल रहे हैं. अब हम लोग क्या बोले थे कि इसमें होता है मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद 4 सेल बनेगा. ये तो हो गया कॉमन वाली बात, हम लोग हो गया कॉमन जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है, 4 सेल इसमें बन जाएंगे, ठीक है. लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस तो होगा, बट कौन सा मियोसिस, यहाँ पर क्या हो गया, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 की बात, दोनों बात यहाँ पर हो गया है, मियोसिस 2 की भी बात इसमें हो गई है, कंप्लीट मियोसिस की यहाँ बात करिए. लेकिन इस बाईस्पोरिक एम्ब्रियो सैक में क्या होता है कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस 1 होगा
और मियोसिस वन होगा तो हम लोग को कितना सेल बनेगा, सिर्फ दो सेल बनेगा, टू सेल विल फॉर्म और टू सेल विल फॉर्म। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं यहां पर डायड बोलते हैं, द कंडीशन इज कॉल्ड डायड। ठीक है, चलिए दो सेल बन गया। अब इसमें से क्या होगा कि एक सेल डीजेनरेट कर जाएगा, वन सेल विल डीजेनरेट। तो अब कितना बच गया, एक सेल बच गया एंड रिमेन्स वन, एक रह गया। अब जो रह गया इसमें अब होगा मियोसिस टू कंप्लीट होगा, क्या होगा मियोसिस टू। अब मियोसिस टू होगा तो अब कितना सेल बनेगा, टू सेल बनेगा, क्योंकि एक सेल मियोसिस वन कंप्लीट होता है। तो हम लोग पढ़े थे सेल चैप्टर, सेल डिवीजन में हम लोग पढ़े थे कि मियोसिस जो होता है मियोसिस से चार सेल बनता है। तो ये दो प्रोसेस में होता है, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। तो मियोसिस वन और मियोसिस टू में क्या होता है कि यहाँ पर एक सेल से दो सेल बनेगा, टू सेल बनेगा। अब इसमें होगा मियोसिस टू तो दो सेल से टोटल चार सेल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक सेल तो ऑलरेडी डी जनरेट कर गया, बच गया एक, तो अब मियोसिस टू कंप्लीट होगा तो हम लोग को टोटल कितना सेल बन जाएगा, टू सेल बन जाएगा। और यही दो सेल जो बना दैट फॉर्म्स द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर दो सेल पार्टिसिपेट कर रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। सो सच टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज नोन एज बायोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या बात करते हैं, जो थर्ड टाइप का होता है एम्ब्रियो सैक उसको हम लोग बोलते हैं टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। क्या नाम है यहाँ पर, यहाँ पर नाम क्या है, टेट्रा। टेट्रा का मतलब होता है फोर, तो इसका मतलब कि इसमें चार सेल क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करने में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा कि मेगास्पोर मदर सेल में होगा डिवीजन, और डिवीजन होने, अब डिवीजन कैसा होगा, मियोटिकली होगा, मियोटिकली डिवीजन होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद इसमें फोर न्यूक्लियस बन जाएगा, फोर न्यूक्लियस। बट इसमें ध्यान क्या देना है, इसमें न्यूक्लियस तो बना बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस डज नॉट अकर, इसमें साइटोकाइनेसिस अभी नहीं हुआ है, सिर्फ क्या बना है, न्यूक्लियस बना है। ठीक है, अब ये जो फोर चारों जो न्यूक्लियस है दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ क्या चीज, एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करने में चला गया, और यहाँ पर चूंकि चार सेल पार्टिसिपेट कर रहा है इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ये तो चलिए बायोस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक की हम लोग बात कर ली, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली एम्ब्रियो सैक होता है वो है कॉमन एम्ब्रियो, ये मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक कॉमनली फाउंड होता है, और उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी में डिस्कशन चल रहा है और वही इम्पोर्टेंट भी है। चलिए तो ये तो हम लोग बात कर लिए, टोटल एम्ब्रियो सैक के बारे में बात कर लिए। तो अभी तक अगर याद होगा कि हम लोग स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो बात कर रहे थे कि सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, फिर क्या होगा पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होगा। तो अभी तक हम लोग पूरा गैमेट्स कहाँ बना, कैसे बना, किस रूप में बना, उसके बारे में बात की। अब हम लोग बात करेंगे कि वो जो गैमेट्स बना यानी पोलन ग्रेन बना उसका ट्रांसफर कैसे होगा, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनेशन। तो अब पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन।
ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। अब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कहां से कहां, ऑब्वियसली सी बात है जहां बन रहा है, मतलब कि फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा और द फीमेल गैमेटोफाइट के पास ट्रांसफर होना है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब ये स्टिग्मा किसका पार्ट है, तो स्टिग्मा ऑफ पिस्टल बोल सकते हैं, पिस्टल या कार्पल बोल सकते हैं, और इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। तो पॉलिनेशन भी दो टाइप का होता है, अगर हम लोग टाइप की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, तो ये दो टाइप का हम लोग को देखने को मिलेगा। पहला कौन सा, पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब क्या होता है, खुद, इटसेल्फ मतलब वैसा फ्लावर जिसमें उसी का पोलन ग्रेन उसी के फ्लावर में चला जाए, यानी स्टिग्मा के पास चला जाए, तो वैसे टाइप ऑफ पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, स्व परागण, परागण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इस कंडीशन में, यानी सेल्फ पॉलिनेशन में भी दो कंडीशन हो सकता है। कैसे, तो जैसे लेट सपोज यहाँ मान ली कि एक प्लांट्स है, इस तरीके से प्लांट्स है, ठीक है, ये एक प्लांट्स है, यहां पर एक फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर वन फ्लावर टू, ठीक है। कंडीशन क्या है, यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन क्या बोल रहे हैं, दो टाइप का हो सकता है, कौन कौन सा, तो एक को बोलते हैं ऑटोगैमी बोलते हैं, ऑटोगैमी, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जीटोनोगैमी होता है, जीटोनोगैमी। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या है, प्लांट एक ही है प्लांट। अब इसमें क्या है कि इसका फर्स्ट, अगर फ्लावर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट फ्लावर की बात कर रहे हैं, तो इसका पोलन ग्रेन, ये हमारा पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन है, तो इसका पोलन ग्रेन इसी के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर चला जाए, ये हो गया हमारा स्टिग्मा या पिस्टल, तो उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के पिस्टल के स्टिग्मा के ऊपर चला जाए, तो ऐसे टाइप के पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी बोलते हैं, ऑटोगैमी। ऑटो मतलब सेल्फ, गैमी मतलब होता है मैरिज, तो आपस कहीं एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के पिस्टल के पास चला जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी बोलते हैं। क्लियर है बात, चलिए दूसरा। अब क्या है कि प्लांट सेम है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्लांट सेम है बट उस प्लांट पर अलग अलग फ्लावर हो, तो उस केस में क्या है कि इस एक फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के पिस्टल के स्टिग्मा के ऊपर चला जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं जीटोनोगैमी बोलते हैं, जीटोनोगैमी बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है ये, इस पर पूछा जाता है सवाल, तो दोनों ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या है कंडीशन, फर्स्ट प्लांट इज सेम, यहां पर प्लांट सेम है, ठीक है ना, यहां पर ऑटोगैमी में क्या बोल रहे हैं कि एक फ्लावर है और एक फ्लावर में उसी का पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा के ऊपर जाता है, तो उसको ऑटोगैमी बोलते हैं। लेकिन सेम प्लांट्स है, एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाता है, तो इसको जीटोनोगैमी बोलते हैं। और ये दोनों का दोनों कंडीशन क्या है, सेल्फ पोलिनेशन का है। वहीं पर जो दूसरा टाइप का पोलिनेशन होता है वो कौन सा है, क्रॉस पोलिनेशन। अब क्रॉस का जैसा नाम इंडिकेट वो कर रहा है, क्रॉस होना है, इसका मतलब ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाएगा, क्या बोल रहे हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाएगा, बट यहां पर क्या डिफरेंसेस होगा कि वो फ्लावर किसी दूसरे प्लांट्स पर प्रेजेंट रहेगा, मतलब यहाँ पर दो प्लांट्स पार्टिसिपेट करेगा इन दी पॉलिनेशन, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन भी दो चीजों पर बेस्ड है, या तो
प्लांट के आधार पर या फिर कुछ फैक्टर्स के आधार पर। तो क्या बोल सकते हैं कि बेस्ड ऑन प्लांट्स दिस क्रॉस पोलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा? पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलोगैमी, या इसको हम लोग बोलते हैं जीनोगैमी बोलते हैं। जीनोगैमी, जीनो का मतलब होता है फॉरन। तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स के ऊपर अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है तो उसको एलोगैमी या उसको जीनोगैमी बोलते हैं। और दूसरा कि हम लोग उसको आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज करवाते हैं, तो द सेकेंड प्रोसेस इज कॉल्ड द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये प्लांट्स के आधार पर हो गया। वहीं पर फैक्टर्स के आधार पर यानी बेस्ड ऑन फैक्टर्स दिस क्रॉस पोलिनेशन इज ऑफ मेनली थ्री टाइप्स। कौन कौन सा? एक फैक्टर्स, इसमें बहुत सारे तरीके का फैक्टर्स हो सकता है। जैसे अगर एयर के थ्रू पोलिनेशन होता है तो उसको हम लोग एनिमोफिली बोलते हैं। एनिमोफिली हो सकता है, पोलिनेशन वाटर के थ्रू हो, थ्रू एयर। और जो दूसरा है, या तो हो सकता है वाटर के थ्रू हो, तो वैसे टाइप के हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिली बोलते हैं। हाइड्रोफिली मतलब थ्रू वाटर होगा। और तीसरा फैक्टर ये हो सकता है कि कोई इंसेक्ट के थ्रू, कोई एनिमल के थ्रू अगर होता है तो वैसे को हम लोग बोलते हैं जूफिली बोलते हैं। जूफिली यानी थ्रू इंसेक्ट और एनिमल। ठीक है, तो ये हम लोग बात किए क्या कि क्रॉस पोलिनेशन में भी दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, या तो प्लांट्स के आधार पर, तो दो अलग अलग पार्ट प्लांट्स पार्टिसिपेट करेगा तो उसको एलोगैमी या जीनोगैमी बोल देंगे, आर्टिफिशियली अगर किया जाए तो उसको हाइब्रिडाइजेशन बोल देंगे, और अगर कोई फैक्टर्स जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, या फिर कोई इंसेक्ट हो गया, कोई स्नेक हो गया, डिफरेंट एनिमल्स हो गया, वो अगर उसके थ्रू अगर क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है तो उसको हम लोग जूफिली बोल देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन का यूजफुल क्या है, यूजफुलनेस क्या है सेल्फ पोलिनेशन को, और क्यों वो चीज में कमी रही तो हमको क्रॉस पोलिनेशन करना पड़ा। तो हम लोग पहले बात करेंगे यूजफुल ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। यूजफुल ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। अब देखिए, सेल्फ पोलिनेशन के लिए सबसे जरूरी बात क्या बोल रहे थे कि सेल्फ पोलिनेशन का मतलब क्या बोले कि एक फ्लावर का, एक फ्लावर है उसका पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा के ऊपर जाए। मतलब कि अब यहां पर क्या गया, ये एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है और ये एक मेल सेक्स ऑर्गन है। मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर, सो दैट फ्लावर इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसका मतलब कि सबसे पहले कि सेल्फ पोलिनेशन होना है तो क्या होना पड़ेगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना पड़ेगा। तो मतलब पहला क्या हो गया कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, या फिर हम लोग क्या बोले कि वैसा प्लांट जिसके ऊपर टू डिफरेंट, अगर मान ली कि फ्लावर है मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, तब भी हम लोग देखे जिटोनोगैमी हो रहा था। इसका मतलब कि बाइसेक्सुअल फ्लावर के साथ साथ मोनोसियस प्लांट भी अगर होता हो, मोनोसियस प्लांट, तब भी हम लोग को सेल्फ पोलिनेशन होगा। अब देखिए कंडीशन नंबर दो क्या होना चाहिए। ठीक है, लेट सपोज ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, अगर ये दोनों में से
अगर मान लिया कि ये मेल वाला मेल ऑर्गन यानी पोलन ग्रेन जो बना रहा है एंथर, इसकी मैच्योरिटी लेट होती है और ये फीमेल अर्ली मैच्योर कर जाता है, तब क्या हो सकता है यहाँ पर पोलिनेशन? नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि दोनों का मैच्योरिटी यानी स्टेमन और कार्पेल की मैच्योरिटी एक समय पर होना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेकंड पॉइंट्स में कि स्टेमन एंड कार्पेल कार्पेल मैच्योर एट सेम टाइम, तभी पॉसिबिलिटी उसमें हो सकती है सेल्फ पोलिनेशन की। और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोगैमी बोलते हैं। स्टेमन एंड कार्पेल मैच्योर एट सेम टाइम एंड दिस फीचर इज कॉल्ड क्या चीज? होमोगैमी। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अगर फ्लावर कलरलेस हो, कलरलेस फ्लावर, या फिर स्मॉल फ्लावर हो, या फिर ऑर्डरलेस हो, कोई सेंट वगैरह ना हो, तो उसमें कोई पॉलिनेटर्स जाएगा ही नहीं, और जब जाएगा ही नहीं तो वहां पर क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या है नेक्स्ट? एक और पॉइंट क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में पूछा गया है। तो अब क्या है कि कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर है बट उसमें फ्लावर क्या है? क्लोज टाइप का है। यानी बोल सकते हैं कि सम प्लांट्स हैविंग बाइसेक्सुअल फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर बट कंडीशन इसमें क्या होता है? बट द फ्लावर इज क्लोज्ड, फ्लावर इज क्लोज्ड, ये ध्यान इसमें दीजिएगा, फ्लावर इज क्लोज्ड बंद रहता है, जैसे अभी बात करेंगे, फ्लावर इज क्लोज्ड। सो इसमें क्या होगा? इसमें फोर्स होता है बाय सेल्फ पोलिनेशन होने के लिए, क्योंकि बाहर से कोई पोलिन ग्रेन में इंटर नहीं करेगा। So this phenomenon is called cleistogamy. Cleistogamy. ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, cleistogamy टर्म पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है कोई बात नहीं, फ्लावर इज क्लोज्ड, अगर वो फ्लावर बंद है तो उसमें क्या हो, जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये इस तरीके से बोल रहे हैं कि ये इस तरीके से फ्लावर है बंद है, यहाँ पर लेट सपोज फीमेल गैमेटोफाइट है, मतलब कि स्टिग्मा है, और यहाँ पर इस तरीके से हमारा पोलन ग्रेन प्रेजेंट है। तो अब क्या हुआ, यहाँ से बाहर से तो कोई इंट्री पोलन ग्रेन कर ही नहीं सकता है, यहाँ पर नहीं करेगा, तो इसी का पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, फोर्स है, इसमें फोर्स हो रहा है कि तुमको सेल्फ पोलिनेशन ही करना है और कुछ नहीं होगा। तो वैसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगैमी, और इसका पूछा क्या जाता है, इसका एग्जांपल पूछा जाता है। इसका एग्जांपल क्या है? ग्राउंड नट ऑक्सैलिस एटसेट्रा, इसमें से ग्राउंड नट जरूर याद रखिएगा, दो ही एग्जांपल ही पूछा जाता है, दोनों ऑक्सैलिस एंड ग्राउंडनट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या देखें कि हम लोग को सेल्फ पोलिनेशन होने के लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए जिसके कारण ही क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन को हम लोग क्या बोल रहे थे, क्रॉस पोलिनेशन को हम लोग बोल रहे थे एलोगैमी या जीनोगैमी भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्रॉस पोलिनेशन की बात करेंगे, अब देखिए इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या रहे,
क्रॉस पोलिनेशन होने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट रह सकती है जिसके कारण क्रॉस पोलिनेशन होना है, नहीं तो फिर वो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं करेगा तो क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला है दैट इज सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी, ठीक है। अब सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे क्या बोल रहे हैं कि अगर पोलन ग्रेन आया और सेम प्लांट्स के फ्लावर पर गिरा, सेम प्लांट्स के फ्लावर बोल रहे हैं, फ्लावर में भी डिफरेंट, मतलब क्या बोल रहे हैं, एक फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर उसी पेड़ के दूसरे फ्लावर के ऊपर अगर फॉल हुआ तो क्या होगा, वहां पर पोलन ग्रेन जेनरेट नहीं कर पाएगा, फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी बोलते हैं। ठीक है, लिख देते हैं इसमें पोलन ग्रेन फ्रॉम सेम प्लांट्स फॉल्स ऑन अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट्स बट फेल टू फर्टिलाइज एंड कंडीशन इज कॉल्ड सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी इसको बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, मेज, दूसरा एप्पल, ग्रेप्स, ये सब इसका एग्जाम्पल है इटीसी। ठीक है, तो पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि सेल्फ स्टेरिलिटी। अब ये सेल्फ स्टेराइल है मतलब कि अगर उसी का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाता है तो वो फर्टिलाइज नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक फ्लावर का पोलन ग्रेन जो है फ्लावर वन, इसको फोर्स होगा कि ये दूसरे के फ्लावर के ऊपर, दूसरे प्लांट्स के फ्लावर के ऊपर जाएगा, प्लांट्स शुड बी डिफरेंट, तभी जाकर हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या करेगा, फर्टिलाइज्ड होगा। तो इसीलिए इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी बोलते हैं। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि सेल यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी यानी एक सेक्स का अगर फ्लावर हो तो यूनिसेक्सुअलिटी। ठीक है, जैसे अब हम इसको क्या बोले, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें, पपाया, पपाया, खजूर, पाम, इटीसी। इसमें क्या देखते हैं, किसी किसी पपाया पपीते वाले पेड़ में किसी किसी में फ्लावर होकर रह जाता है बट दे डू नॉट गेट द फ्रूट। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रूट कहाँ पर आएगा, ओवरी बनेगा जहां पर आएगा, मतलब कि अब इसके इस पेड़ के पास अगर वो फ्रूट नहीं बन रहा है मतलब वो मेल प्लांट होगा, तभी तो वहां पोलन ग्रेन तो है बट वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर जाएगा तभी जाकर वो फ्रूट डेवलपमेंट होगा, तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंटेन कर रहा है यानी यूनिसेक्सुअल प्लांट्स है, तो उसमें क्रॉस पोलिनेशन होना ही है। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, डाइकोगैमी उसको बोलते हैं, डाइकोगैमी। अब डाई मतलब क्या हुआ, दो, इसका मतलब कि जिस प्लांट्स में अगर स्टेमन या कार्पेल अलग अलग अगर मैच्योर करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं फ्लावर वन, अब मान लीजिए कि इसमें एक पोलन ग्रेन यहां पर है और यहां पर मान लीजिए दोनों हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल मान लीजिए दोनों है, लेकिन ये फीमेल हमारा हो गया, ये मेल पार्ट हो गया, इसमें ये हमारा फीमेल और ये मेल पार्ट हो गया, लेकिन क्या कंडीशन है कि इसमें ये मैच्योरिटी नहीं हुआ, मान लीजिए कि लेट सपोज इस फ्लावर में फीमेल वाला मैच्योर अभी तक नहीं हुआ, नो मैच्योर एट ऑल, इसमें अभी
फीमेल जो गैमेटोफाइट है मतलब कि कार्पेल वो मैच्योर नहीं हुआ, तो इस कंडीशन इस फ्लावर में क्या हो गया, मेल मैच्योर कर गया है, मेल मैच्योर कर गया। लेट सपोज दूसरे फ्लावर की कंडीशन में क्या हो सकता है कि इसमें जो मेल है एंथर है वो मैच्योर नहीं हुआ और फीमेल मैच्योर हो गया है, तो आप क्या होगा कि आपस में तो फर्टिलाइज नहीं कर सकता, नहीं तो सेल्फ पोलिनेशन कर लेता, तो इस इसका पोलन ग्रेन ये ट्रांसफर होगा दूसरे फ्लावर के, दूसरे प्लांट्स के फ्लावर के ऊपर, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, डाइकोगैमी बोल देंगे। तो इसमें क्या बोल दिए कि इन दिस आइदर स्टेमेन और कार्पेल मैच्योर एट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, डिफरेंट टाइम पीरियड, दो अलग अलग टाइम पीरियड पर वो मैच्योर करेंगे तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल को क्या बोलते हैं, शरीफा बोलते हैं हिंदी में, रोज, कोरिएंडर, धनिया एटसेट्रा। तो ये कंडीशन क्या हो गया कि अलग अलग मैच्योर हो तब, अब यहाँ पर कंडीशन क्या हो गया, अलग अलग मैच्योर, अगर अलग स्टेमन पहले मैच्योर कर जाए कि कार्पेल मैच्योर कर जाए, तो इसके अगेंस्ट में दो टर्म और पढ़ने को मिलता है, क्या चीज कि अगर कंडीशन क्या है कि अगर स्टेमन मैच्योर हो जाए पहले तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेंड्री बोलते हैं, प्रोटेंड्री, एंड्री एंड्रोसियम, अप्रो मतलब फर्स्ट, मतलब कि इसमें क्या होगा, स्टेमन मैच्योर फर्स्ट, स्टेमन मैच्योर फर्स्ट। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, रोज, सनफ्लावर एटसेट्रा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि इफ कार्पेल मैच्योर फर्स्ट, इफ कार्पेल मैच्योर फर्स्ट, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटोगाइनी, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मेज, बैनियन ट्री, फिग एटसेट्रा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देखे डाइकोगैमी में कि दोनों यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर एट ए डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड, so this such type of condition is called the dichogamy।